हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ कविता। चैंपियन ट्रॉफी में भारत को हराने के बाद पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में भारत को हराने के सपने देखना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान को लगता है कि वो आगामी वर्ल्ड कप में भारत को हरा सकता है। तभी तो पाकिस्तान के पूर्व कप्तान मोइन खान का मानना है कि पाकिस्तान की मौजूदा टीम वर्ल्ड कप में हमेशा भारत से हारने का कलंक धोकर इंग्लैंड में होने वाले अगले वर्ल्ड कप में चिर प्रतिद्वंदी पर पहली जीत दर्ज कर सकती है। वर्ल्ड कप में अब तक 6 बार भारत और पाकिस्तान का मुकाबला हुआ है और हर बार भारतीय टीम जीती है, और आगामी विश्व कप में दोनों टीमें एक बार फिर यानी कि 16 जून को आमने सामने होंगी। हालांकि तब पाकिस्तान का ये सपना सच होगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। वैसे मोइन खान का कहना है, मौजूदा टीम विश्व कप में भारत पर पहली जीत दर्ज कर सकती है क्योंकि ये काफी प्रभावशाली टीम है। इसमें गहराई और विविधता है और सरफराज अहमद का खिलाड़ियों से अच्छा तालमेल है। हमारी टीम ने 2 साल पहले चैंपियंस ट्रॉफी में उन्हें हराया और इंग्लैंड में जून में हालात हमारे अनुकूल होंगे क्योंकि हमारे पास उनसे बेहतर गेंदबाज हैं। ये दिलचस्प विश्व कप होगा और मुझे लगता है कि पाकिस्तानी टीम भारत को हरा देगी। हम दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाफ वनडे मैच खेलकर विश्व कप में जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि विश्व कप 1992 और 1999 टीम का हिस्सा रहे मोइन खान भारत और इंग्लैंड को विश्व कप के प्रबल दावेदारों में से एक मानते हैं। फिर भी उनको लगता है कि इस बार पाकिस्तान की टीम भारतीय टीम पर जीत जरूर दर्ज करेगी। वैसे ये देखना दिलचस्प रहेगा कि विश्व कप के दौरान भारत पाक पर अपनी जीत सिलसिला कायम रख पाता है या फिर पाकिस्तान अपना सपना सच करने में कामयाब हो पाता है। क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।